Hey, what's up everyone? This is Javita and welcome back to my YouTube channel and welcome back to the vlog. तो कैसे आप? I know, आप अच्छे होंगे, है ना? तो जैसा कि आप मेरे चारों तरफ देख सकते हो कितना भीड़ है. हर साल की तरह इस साल भी हमारे राउरकेला में पूरा मेला तो लगता है, आपको पता है. हर पूरा राउरकेला घूमने आया तो हम लोग भी घूमने आए. चलो घूमते हैं आप लोग के साथ, है ना. एक साथ सब घूमते हैं, आप लोग मजे लो. मुझे पता है आप लोग भी घूमने आए होंगे, तो वीडियो भी देखो और मजे लो, है ना. शाम का वक्त है और बहुत ही अच्छा नज़ारा. यहाँ पानी पूरी, यहाँ झूला, यहाँ पानी पूरी, यहाँ झूला और यहाँ खूबसूरत लड़कियाँ. हाय हाय, खाली छोड़ी बटाता है. तो आज हम बस दो जन हैं, कोई बात नहीं, बाकी लोग मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि इस भीड़ में तो कोई भी मुलाकात हो सकता है. तो चलो चलते हैं आगे. मजे करते हैं ना गाइस. अभी उतना भीड़ नहीं हुआ है, अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और शाम बढ़ती हुई. ओ बम्बई या लड्डू, ये बचपन में हमारी फेवरेट हुआ करती थी, अब उतना नहीं है फेवरेट, बाकी बच्चे लोग का फेवरेट हो सकता है. और ये हमारा रिंग, ये बॉक्स, ये जो पांच पांच वाला जो दिख रहा है ना, बहुत बड़ा बड़ा है ये, मतलब रिंग घुसेगा ही नहीं. हमारे टाइम में बहुत छोटे हुआ करते थे और इजीली हम लोग खेलते थे, बहुत मज़ा आता था. तो चलो हम लोग ट्राई करते हैं एक बार, है ना. काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी दिनों बाद, मतलब बहुत टाइम हो गया गेम के लिए. चलो खेलते हैं और मजे लेते हैं ना. भैया बीस का कितना? पाँच, छः दे दो. चलो पका 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 पका. पैसा बर्बाद. यहाँ नहीं फंसने वाला. पहले हमारे टाइम ऐसा हुआ करता था कि वो जो आप लोग देख सकते हो जो सो का जो बंधा हुआ है वो बहुत मोटा है, ठीक है. ऐसा पतला होना चाहिए जो पांच पांच रुपए वाला जो है, सॉरी 50 रुपए वाला जो है, थोड़ा पतला है वो सही है. बाकी बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल. ये कुछ नया आइटम देखने को मिल रहा है. अच्छा अच्छा, ये तो अपना 360 राउंड घूमता है ये कैमरा लगाकर, आई थिंक. हाँ सही है. ये भाई इसमें मैं नहीं बैठ सकता, मुझे बहुत डर आता है. तो डर लगे नहीं, नहीं. मुझे तो भाई बहुत डर आता है, इसीलिए मैं इस पे नहीं बैठेगा. ना इस पे बैठेगा, इस पे भी नहीं बैठेगा मैं, मुझे बहुत डर लगता है. उस पे तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. इन फ्यूचर अगर कभी मेरा हिम्मत हुआ तो मैं जरूर बैठूंगा इसमें. इसमें मैं बैठा हुआ हूँ, बैठा हुआ हूँ और बैठ के उल्टी भी किया हूँ, बहुत सारा उल्टी किया हूँ. उसमें आज तक नहीं बैठा हूँ और इसमें नहीं बैठा हूँ. वो बसेगा, बसेगा, एक दिन ना एक दिन जरूर मैं बसेगा. चलते हैं. और इधर बहुत सारे खाने पीने का चीज. मथुरा केक, ये जो आइटम आप देख रहे हो, मतलब ये हम लोग बचपन में क्या करते थे, मेरे भाई लेके आता था, जो मेरा बड़ा भाई है वो हमेशा लेके आता था, पता नहीं कहाँ से लेके आता था, लेकिन हम लोग चलाते थे बचपन में. यहाँ पे तो घूमना हो गया, अभी दूसरा जगह चलते हैं, है ना. मिलते हैं, पहुंच.
तो गाइस अभी हम लोग आ गए दूसरे जगह पे जो कि हमारा ये है सेक्टर 2। और हाँ, इससे पहले जो हम लोग गए थे वो सेक्टर 1 था, ठीक है। और ये सेक्टर 2 का पैंडल है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़, मतलब जितनी शाम हो रही है उतनी भीड़ बढ़ते जा रही है। पॉपकॉर्न बहुत ही ज़्यादा भीड़, और भी भीड़ होगी। उधर झूला है, उधर भी जाना है अभी ऐसे घूमने के लिए, बैठ तो सकते नहीं। गरीब लोग, दरवा लोग हम लोग नहीं बैठ सकते। गाइज, हमने सेक्टर 2 का मेला तो घूम लिया। झूला में तो बैठना नहीं है, खाना कुछ है नहीं क्योंकि धूल मिट्टी के साथ मिक्स रहता है वो, तो हम लोग को कुछ नहीं खाना वहाँ पे। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं सेक्टर 3 में जो पेंडल है। मेला कुछ खास लगा नहीं है, मतलब एक दो झूला बस है, बाकी पेंडल है। चलो देखते हैं। सो गाइज, बहुत भीड़, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़, मतलब जहाँ जहाँ पे पेंडल है उसके आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और अभी तो हम लोग मेन रोड पे आ चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे जगह पे। और क्या बताऊँ, मतलब कार लाना बेकार है, हमारे पास तो है नहीं, हम गरीब लोग, लेकिन जो भी कार लेके आते हैं वो परेशान हो जाती है। एक जगह से फिर दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल है, एक तो भीड़, कार पार्किंग करो, फिर कार निकालने के टाइम और लेट, तो पॉसिबल नहीं। इसलिए सबसे अच्छा टू व्हीलर, मतलब बाइक हो स्कूटी हो, ये बहुत अच्छी। तो चलो चलते हैं दूसरे जगह पे। और आज उधर में रावण का दहन भी होने वाला है, तो वो भी देखेंगे हम लोग। पता नहीं कितने बजे स्टार्ट होगा, हम लोग लेट हैं या नहीं मुझे नहीं पता। चलो चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा और आप लोग देखोगे, है ना। मिलते हैं, बहुत चलते। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं टेलीफोन भवन पे, और आपको दिखा देंगे पेंडल। ये देखो, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा। श्री जगन्नाथ भगवान की ये पेंडल बहुत अच्छी लग रही है, और भीड़ भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। चलो यहाँ पे थोड़ा देर घूमते हैं फिर आगे चलते हैं। इधर भी सेम झूला जो सेक्टर 2 में था वो इधर भी है। बहुत भीड़, आगे जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चलो यहाँ से रिटर्न चलते हैं। दिल तो है पिया कल पंखी। चलो भाई हो गया मेला, अब चलते हैं यहाँ से दूसरी जगह पे चलते हैं। और मेला का सबसे घटिया चीज ये है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सबसे घटिया चीज है, घटिया फालतू बकवास। तो चलो अब चलते सेक्टर 13 जो कि वहाँ पे रावण का दहन होने वाला है। क्या सबसे घटिया चीज़ है? घटिया चीज़, सबसे घटिया चीज़। चलो चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़, बहुत मतलब बहुत, दिखाता हूँ आपको। हमने थोड़ा चालाकी दिखाई, हमने थोड़ा सा अंदर अंदर से आया, मतलब क्वार्टर होके आया, अंदर अंदर जो रास्ता शॉर्टकट रास्ता है उधर से आया हमने, तो थोड़ा सा हम लोग को रिलैक्स फील हुआ। वरना मेन रोड पे आते तो हम लोग आ ही नहीं पाते, मतलब इतनी जाम है, मतलब बहुत सारे कार बाइक साइकिल, साइकिल तो नहीं, कार और बाइक्स। तो चलो चलते हैं रावण का दहन देखने, मुझे तो लगता है कि हम लोग लेट हो चुके हैं, फिर भी देखिए बस। चलो भीड़ देखो गाइस, बीच रास्ते में बाइक स्कूटी कार सब कुछ रखी हुई है, और उधर हमारा रावण का दहन शुरू हो चुका है। तो गाइस हम लोग टाइम से पहुंच गए हैं, मतलब अभी तक रावण का दहन नहीं हुआ है। रावण खड़ा है फ्रेम लवली लगा के, पूरा हैंडसम गोरा चिक चिक, बाकी उसके 9 मुंडी भी छोटे छोटे मैच नहीं किया, बहुत छोटा छोटा मुंडी हो गया उसका। हमारे तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये आप लोग देख सकते हो हमारे मुच्छड़, वो वाओ हैंडसम। क्या रावण, आज तो चलने वाला है, ऑल द बेस्ट। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?
ये मेरा पहली बार जो इतना क्लोज से मैं देख रहा हूँ, वरना कभी इतना सामने तक आया नहीं हूँ। लेकिन एक बार आया था मैं 2014 में या 15 में, शायद हम लोग को यहाँ पे परफॉर्म करना था और हमने परफॉर्म किया भी था, और हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं और उधर में रावण का दहन हो रहा था। आज देख रहे हैं सामने से, है ना। तो चलो आप लोग भी देखो कब तक चलाते हैं। जल गया रावण, और ये रावण के पेट से छुरछुरी जलती हुई। चारों ओर बस फोन ही फोन, जिसके पास फोन भी नहीं होगा जुधारी लेके आएगा पक्का 100%। हमारे यहाँ बहुत सस्ता रावण आता है जो कि फटाफट जल के खत्म हो जाता है, जो कि जल के खत्म भी हो गया फटाके फूट गए। चलो चलो अभी भीड़ खाली होने लगी है। चलो हो गया, जल गया रावण, मना लिया दिवाली बस इतनी देर के लिए, इतना भीड़। मुझे तो लगा और भी कुछ होगा करके, चला कुछ नहीं हुआ। वो वेट वेट वेट, वेट। गाइज आप लोग भीड़ देख सकते हो, बहुत ज्यादा ट्रैफिक ही ट्रैफिक, बहुत ज्यादा ट्रैफिक। अच्छा हुआ हमने अपना स्कूटी को अलग जगह पर रख दिया, अच्छी जगह से जगह पर रख दिया, और हम लोग शॉर्टकट मारेंगे। मेन रोड से नहीं जाएंगे, मेन रोड से बहुत ज्यादा भीड़ रखना है। पॉसिबल नहीं है जल्दी यहाँ से निकलना। चलो चलते हैं अपनी स्कूटी के सामने। तो गाइज हो गया रावण जी का दहन, और लाखों लोग आए थे रावण जी का दहन देखने को, लेकिन उनमें से जो कुछ ही लोग होते हैं जो खुद का दहन करने आते हैं। इसका मतलब ये है कि इस कलयुग का रावण हम लोग हैं, समझ रहे हो। तो हम लोग का जो, हम लोग के अंदर का जो नेगेटिविटी है उसको दहन करना है, उसको ख़त्म करना है, क्योंकि रावण तो हम ही हैं इस कलयुग के, है ना। तो बहुत कम लोग हैं जो ये चीज़ समझ पाते हैं, वरना बाकी लोग तो रावण को जलने देखने आते हैं और आतिशबाजी देखने आते हैं। हमने भी आया था, लेकिन ये चीज़ को समझ के रखना है कि रावण का दहन क्यों होता है ना। चलो तो अभी हम लोग आए हैं सेक्टर 8, और क्योंकि हमने उधर जाने के लिए, मतलब उधर ख़त्म हो जाता अगर हम लोग इधर आ जाते तो, इसलिए उधर ख़त्म करके देन अभी इधर आ गए। तो चलो देखते हैं इधर का पेंडल और मेला, है ना। चलो दिल तो है पिया तलु पंछी लगे झटपटा ला रे, होया बिना धीरे जधराय ना मनो यत बकाय ला रे, जो ना मोय गुया गुया रे हाय दया रे, जो ना मोय गुया गुया रे। तो हमने सेक्टर 8 भी घूम लिया, और अभी चलते हैं सेक्टर 7, ठीक है। और आई थिंक वो लास्ट होगा हमारे लिए, देन उसके बाद देखते हैं, सोचते हैं, क्यों टाइम अभी बहुत बाकी है, अभी 8 कुछ बज रहे हैं, 8:30 बहुत टाइम है घर जाने को। चलो चलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए सेक्टर 7, जो कि यहाँ की पेंडल बहुत ही खास है, क्योंकि जो कि हमारा जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो कि यहाँ पे बनाया गया है, और मतलब पेंडल मिला मेरे
चलते हैं अंदर में। अंदर में गेम भी चल रहा है बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका। बहुत अच्छा, मतलब अच्छा बनाया है ना, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, मतलब छोटा है कोई बात नहीं, पैंडल बहुत सही है। चलो थोड़ा मेला घूमते उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। गाइस ये 17 नंबर में अभी हम लोग आ चुके हैं, हमने सोचा जब आए तो मिस क्यों करना, थोड़ा मजा ही घूम लेते हैं। पाँच रुपए में आप बहुत कुछ जी सकते हो। साइकिल बुला आमी तुरंत चला गया, साइकिल आमी तुरंत चला गया, साइकिल ए जगह साइकिल बुला, साइकिल बुला, साइकिल बुला, साइकिल बुला, साइकिल बुला, साइकिल बुला, साइकिल बुला। पाँच रुपया एक ही समय पाँच ऐसी चीजें जो आप कभी सपने में भी सोच नहीं सकते। पाँच रुपए में आप पा सकते हैं साइकिल, पाँच रुपए में ही पा सकते हैं मोबाइल। और गमला मिला, और गमला मिला, और गमला मिला, और गमला मिला, और गमला मिला। साइकिल दे दो, तो केवल पाँच रुपए में बड़े से बड़ा इनाम आपका होगा। हमारी पिन क्षमाता के काउंटर पर इससे 100 रुपए की पर्ची कटानी, गमला हो, स्टील की बाल्टी, एल्यूमिनियम की बाल्टी, प्लास्टिक सब पाँच को बोले जगह 20 रुपया सामान है अभी तुरंत। थैंक यू भाई, हेलो हेलो, यस यस हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग बहुत जीत रहे हैं। जी हाँ, गाइस मज़ा आ गया, मज़ा इसलिए आया क्योंकि अंत में हमने जो रिंग खेला सेक्टर 2 नहीं 1 में था, 1 में भी खेला था बट कुछ हुआ नहीं था, और यहाँ पे खेला सीरियसली पहली बार में 100 रुपये पूरे लग गए, आपने देखा होगा वीडियो, ठीक है ना, 100 रुपये और उसके बाद 5 रुपये, ठीक है, तो भाई थोड़ा तो मज़ा आया है ना। तो चलो अभी चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, आगे का आपको बताते हैं कहाँ जा रहे हैं हम। मेला घूमने हो गया ख़त्म और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, घर जाने से पहले हम लोग ने सोचा थोड़ा सा फुटबॉल घुस ले कुछ खा लें, बट टाइम इतना हो गया कि कुछ खाने का मन नहीं किया, हमने सोचा चलो कुछ ले लेते हैं राइस के साथ कुछ खाने के लिए, मतलब आप हमने लिया मंचूरियन आप दोनों, और अभी जा रहे हैं घर, खाना पीना फटाक सो जाना, फिर सुबह उठ के फील्ड जाना रनिंग के लिए, क्योंकि अभी मैं एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा जा रहा हूँ, फील्ड जा रहा हूँ क्योंकि अपना नी में इंजरी है तो उसका थोड़ा सा काम चल रहा है अभी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बहुत जल्द मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।